मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर नवजात शिशु कचड़े के ढेर या नालियों में पड़े हुए मिल रहे हैं। हाल ही में दमोह जिले में बीते 2 महीने में लगभग 3 से 4 ऐसे नवजात शिशु मिले हैं जो कचड़े के ढेर में थे या नाली में बह रहे थे। जानकारी के अनुसार ये भी पता चला है कि जो नवजात शिशु मिल रहे हैं इनके परिवार वाले गांव से शहर जाकर भीख मांगते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश शासन और सरकार कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार अगर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात कर रही है तो क्यों नवजात शिशु इस हालत में मिल रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद हालात हैं आज मध्य प्रदेश के। शिवराज सरकार के 17-18 सालों के बाद बीजेपी की सरकार का 4th टर्म है, फिर भी ऐसे हालात पूरे प्रदेश के अंदर सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड के कई इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कभी कचरे के ढेर के अंदर नवजात शिशु, खास तौर पर जब बच्ची है, बेटी है, तो उसको फेंक के लोग जा रहे हैं। तो ये भ्रूण हत्या के बाद क्या मध्य प्रदेश के अंदर अब नवजात बच्ची की हत्या का चलन शुरू कर दिया गया है? किस तरह से हुआ है? कौन जिम्मेदार है? आखिर इन सब चीज़ों पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? का सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है ये? इतनी बड़ी नाकामी है कि जिसको देखकर समझ में आता है कि यहाँ लाड लक्ष्मी योजना के क्या हाल हैं और अपने आप को मामा कहलाने वाले, बच्चियों के मामा कहलाने वाले मुख्यमंत्री का क्या काम है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो ही मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं इसको लेकर एक हाई लेवल की जाँच बिठाई जाए और उसमें सामने आए कि कहाँ सरकार चूक गई है, सरकार ने क्या गलती कर दी है। बीजेपी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कहती हैं कि 1000 बच्चे अगर लड़के पैदा होते हैं तो 1200 लड़कियां पैदा हो रही हैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो वो देखें इसको भी, जबकि शिवराज जी खुद अभी कह रहे थे एक बयान के अंदर कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, लड़के पैदा हो रहे हैं, तो हमारी सरकार में 960 बच्चियाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं साल के अंदर। आंकड़ों के फेर में उलझी हुई सरकार है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इससे साबित होता है कि सिर्फ दिखावे की बातें हो रही हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है, दुखद तो है ही साथ में कि बच्चियों की इस तरह से हत्या होना अगर सामने आ रहा है, उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, कौन इसके पीछे गैर जिम्मेदाराना किसके काम है वो सामने आए, जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान सरकार चलाए और हमारे बच्चियों को बचाए। ऐसे में देखा गया था कि कमला नेहरू अस्पताल में भी हादसा हुआ था, उसमें भी नवजात शिशु मारे गए थे, सरकार ने अब तक उसमें कुछ नहीं किया है। सरकार जब करेगी कुछ, जब अपनी गलती को मानेगी। एक अहंकार से भरी सरकार है जो बच्चों की हत्या, बच्चों की मौत, इनके ऊपर अपनी गलती नहीं मान रही है। लीपा पोती का काम, छिपाने का काम अगर चलता रहेगा तो आप तो बताइए कि कैसे सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पहले तो खुद माने कि बच्चे असुरक्षित हैं, शिवराज सरकार माने कि यहाँ पर नवजात शिशु की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। उसके अलावा माने के जो हमीदिया अस्पताल में लापरवाही सरकार की तरफ से, सरकारी मशीनरी की तरफ से देखने को मिली, जिसके अंदर बच्चों शिकार हुए उसके और एक बड़ी संख्या के अंदर बच्चे जल गए, तो माने तो अपनी गलती। जब मानेंगे नहीं तो उसको सही कैसे करेंगे? जब जख्म को मान नहीं रहे हो तो सही कैसे करोगे? ये सरकार अपनी नाकामी मानना चाहती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सही नहीं कर पाते। कांग्रेस के शासनकाल में 1000 बेटों पर 912 बेटियां जन्म लेती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के कार्यकाल में 1000 बेटों पर 956 बेटियां जन्म लेती हैं, और केंद्र सरकार में 2019 और 2021 के आंकड़े 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं के आंकड़े में जो वृद्धि हुई है वो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बेटियों के लिए और बहनों के लिए सशक्तिकरण के कार्य कर रही है उसकी बेमिसाल है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार में अगर 1000 बच्चे जो लड़के हुआ करते थे उनके सामने 912 ही महिलाएं पैदा होती थी, लेकिन शिवराज सरकार के आने के बाद ये संख्या बढ़कर 956 हो गई है। वहीं उनने केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि जहां एक तरफ 1000 बच्चे जो लड़के थे उनके सामने 1020 महिलाएं पैदा हो रही हैं। प्रवासाक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।